है तो है रजपूत तेरे, ये हार किस लिए पहना हुआ है? माँ जी वो मैंने शादी कर ली है। ओए शावाशी। रजपूत ये क्या चंचड़ाया तुमने? ये सुनने की देर थी कि माँ जी का पारा तो आसमान पर चढ़ गया। रजब भट्ट ने शादी कर ली। रजब और माँ जी छत पर बैठे बातें कर रहे थे। रजब पुत्रे, आज शाम चौधरी साहब और उनकी बेगम हमारे घर आ रहे हैं। क्यों मम्मा जान, खैरियत से आ रहे हैं? तुम्हारा रिश्ता लेकर आ रहे हैं रजब अली। अरे पागल, जाहिर सी बात है, वैसे मिलने आ रहे हैं। क्या गजब की बेइज्जती थी। हाय रजब अली, तुम्हारी शादी का सोच कर एक शेर याद आ जाता है। इरशाद 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 मम्मा जी, इरशाद। अर्ज किया है, उम्र दराज मांग के लाए थे चार दिन, दो आरजू में कट गए, दो इंतजार में। वाह 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 वाह, क्या दर्द भरा शेर है, आंखों में आंसू आ गए कसम से। बड़ा बगैरत है तू, ऐसे जरा माँ की खुशी का ख्याल नहीं है तुझे। वैसे मम्मा एक बात तो बताएं, अगर मैं आपको बताए बगैर शादी कर लूं तो क्या रिएक्शन होगा आपका? तेरे फिर तेरी जो लितर परेड होनी है ना, वो पूरी दुनिया देखेगी। वो किस टाइम नहीं होती मम्मा जी। अच्छा फजूल बातें छोड़ो और मुझे याद से शाम के खाने का सामान ला के देना। जो हुक्म सरकार। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जी सबके? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे अंकल, मेरे आंटियां, मेरे भांजे, मेरे भतीजे सब खैरियत से होंगे। तो आज सीन कुछ यूं है कि आज का सारा व्लॉग आप लोगों ने देखना है। एक स्पेशल, बहुत ही स्पेशल सरप्राइज है आप लोगों के लिए। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। रजब सामान लेने के लिए घर से बाहर निकला ही था कि उसे हैदर का ख्याल आया। हैदर को भी कॉल करके बुला लेता हूँ। रजब उसे कॉल करने ही लगा था कि उसे हैदर आता दिखाई दिया। सुना था भाई शैतान का नाम लो तो हाजिर हो जाता है, आज तुझे देखकर यकीन आ गया। वैसे कसम से बट, तुमसे अच्छी चवलें कोई मार ही नहीं सकता। बस यार, कभी गुरूर नहीं किया तेरे भाई ने। वो लोग अपनी बातों में मसरूफ थे कि माँ जी भी वहाँ पे आ गई। अगर तुम दोनों की बातें मुक गई हो ना तो मुझे सामान ला दो जल्दी। रजब ने गाड़ी स्टार्ट की और वो लोग सामान लेने चले गए कि रास्ते में रजब हैदर से बोला, ओए बंदर, तेरे लिए एक सरप्राइज है। या अल्लाह, खैर सरप्राइज ही हो। चल बता केड़ा सरप्राइज। तुझे पता है आज मैं शादी करने वाला हूँ। अच्छा मजाक है वैसे। अरे यार मजाक नहीं है ये। लगदा तेरा दिमाग खराब हो गया है, अचानक शादी का कीड़ा कितों आ गया तेरे दिमाग च। हले कल तक तो ठीक सी तू। बस यार देख ले अपने भाई का लेवल, अगर तुझे पहले मैं बता देता तो सरप्राइज तो ना होता ना फिर। वैसे जिन्हें तेनू पसंद कीता है ना, मेनू लगता है ओदियां अखां खराब ने। इतना भी बुरा नहीं हूँ मैं वैसे। यार बट बहुत हो गया मजाक। ये मजाक नहीं है मेरे यार, तुझे लगता है मैं तेरे साथ मजाक कर रहा हूँ? रजब ने उसे सारी बात बता दी, जिसे सुनने के बाद हैदर बोला, बड़ा भी कमीना है तू वैसे। चल ठीक है, तेरी खातिर जूते खाना मंजूर है, तू भी क्या याद करेगा। रजब और हैदर सारा प्लान फाइनल कर चुके थे। तो मेरे बहनों और भाइयों, सीन कुछ यूं है कि कुछ ही देर में मेरा निकाह है और फिर दुल्हन को लेकर अम्मा से मिलने जाना है। मम्मा का क्या रिएक्शन होगा ये तो घर जाकर पता चलेगा। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। माँ जी सेहन में बैठी चौधरी साहब और उनकी बेगम का इंतजार कर रही थी। अब तक तो चौधरी साहब को आ जाना चाहिए था, और ये रजब भी पता नहीं कहाँ रह गया है। माँ जी इन्हीं सोचों में गुम थी कि चौधरी साहब और उनकी बेगम शकीला आ गए। आ गए आप लोग? नहीं बहन जी, अभी रास्ते में ही हैं। चौधरी साहब की बात पर सब हंस पड़े। वो लोग सेहन में बैठ गए। अरे बहन जी, रजब पुत्र नजर नहीं आ रहा। चौधरी साहब वो भी आता ही होगा, यहीं कहीं दोस्तों के साथ होगा। माँ जी को रजब की फिक्र होने लगी थी। अल्लाह खैर करे, रजब को अब तक घर आ जाना चाहिए था। तभी रजब भट्ट साहब गले में हार डाले घर में एंटर हुए।
है तो है रजब पुत्र, ये हार किस लिए पहना हुआ है? माँ जी वो निकाह था ना आज, इसलिए। निकाह? मगर किसका निकाह रजब अली? माँ जी वो मैंने शादी कर ली है। ये सुनने की देर थी कि सब उठ खड़े हुए। रजब पुत्र, ये क्या चंचड़ाया तुमने? रजब अली मजाक करना बंद करो, मुझे यकीन है कि मेरा पुत्र ऐसा नहीं कर सकता। यार मम्मा जी ये मजाक नहीं है, वो बाहर गाड़ी में बैठी है, नहीं यकीन तो बाहर जाकर देख लें। ये सुनने की देर थी कि माँ जी का पारा तो आसमान पर चढ़ गया। ओए बगैरत बेहया, दलील करवा के रख दिया है मुझे, मुझे जरा भी अपनी माँ का ख्याल नहीं आया, तू रुक जरा। माँ जी ने जूता उठा लिया था, रजब आगे आगे और माँ जी पीछे पीछे भाग रही थी। तुझे तो मैं बताती हूँ, रजब अली आज या मैं नहीं या फिर तू नहीं। ओ छोड़े बहन जी, बस करें, बच्चों से ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। चौधरी साहब थोड़ी गल तो लगता है कि तुम भी चित्रा की लोड़ है। माँ जी फिर रजब की धुलाई करना शुरू हो गई। अपनी शक्ल वेख तो कम वेख, कुछ शर्म नहीं आई तुझे? इतनी प्यारी तो है मेरी शक्ल, इतनी लड़कियाँ मरती हैं मेरे पे मम्मा जी। उनको अगर इतनी मरने की अखीर आई हुई है तो जहर खा के क्यों नहीं मरती? मम्मा जी एक बार उसको देखो तो सही यार, आपका सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। चलो जी नवी गल सुन लो, वो की एयर कूलर है जिन्हों देख के मैनू ठंड पै जानी है। बहन जी आप रजब की बात मान लें, अब तो जो होना था हो गया। माँ जी को मना कर वो तीनों दुल्हन को देखने बाहर आ गए। बाहर आ जाएं दुल्हन साहिबा। रजब की बात सुनने की देर थी कि चेहरे पे दुपट्टा डाले दुल्हन रानी फौरन गाड़ी से बाहर निकल आई। रजब अली तेरी खातिर ये बांधनी भी मंजूर है मुझे। माँ जी ने आगे बढ़कर उसके चेहरे से दुपट्टा हटाया तो बेहोश होते होते बची, क्योंकि वहाँ कोई दुल्हन नहीं बल्कि हैदर था। हाँ है ऐ की रजब तेरे। मम्मा जी कैसा लगा फिर मेरा मजाक? अच्छा ये मजाक था, अब तुम दोनों मेरा मजाक देखोगे। माँ जी ने दोबारा जूता उठा लिया था और उनकी धुलाई करने लगी। रजब और हैदर आगे आगे भाग रहे थे जबकि माँ जी उनके पीछे पीछे भाग रही थी। इन्हां बच्चियां दे काम वेख के अपनी जवानी याद आ गई है, असी भी बहुत चंचड़ाए सी। अच्छा चौधरी साहब तुसी वी चंचड़ाए सी, इक वारी कार चलो जरा तुहाडी ते खबर मैं लैनी आ। ओ तेरी ऐ चुड़ैल ते मैनू याद ही नहीं सी। चौधरी साहब उन बच्चों को बचाते बचाते खुद फंस गए थे।